शासन का साथ दीजिए डट करके मेरा मानना है। और एक मांग नहीं आपकी, सोच में ऐसा राम की जिंदगी नहीं देखता, ये कर्मचारियों के बीच में अपना जीवन व्यतीत करता है साथियों, इसकी खुराक ही कर्मचारी है साथी। साथियों यदि आज आप नहीं जगे तो नहीं आगे काम नहीं चलने वाला। और एक आपको अभी अभी सूचना मिली साथियों, हम लोगों ने जो है एक संयुक्त मोर्चा, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। भाई इतनी आवाज तो मेरी होगी जितने जो है, इतने तो आपकी भी, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, चलेगा। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जी क्या, मेरा नाम करम सिंह, सामने जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ सहारनपुर। जी क्या मांगे हैं आप? आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में, चार मांगों को लेकर। सबसे पहली मांग जो है पुरानी पेंशन बहाल की जाए, नई जो पेंशन है वो बंद कर दी जाए। और दूसरी मांग जो है स्कीम वर्कर्स जो हैं आउटसोर्सिंग पर जो काम कर रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए, परमानेंट भर्ती की जाए और उन्हीं कर्मचारियों को स्थायी घोषित कर दिया जाए। और जो हमारी आंगनवाड़ी रसोईया आशा भूमि हैं उनको भी जो है राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और उनका वेतन 18,000 रुपये कर दिया जाए। मांगे पूरी ना होने पर क्या कदम? यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 8 और 9 जनवरी को राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में एक हड़ताल का रूप होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ पूर्णतया भागीदारी करेगा।